प्रदेश के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री और जबलपुर पूर्व क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया को अस्वस्थ होने पर जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। कमजोरी और फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए घनघोरिया को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए मेदांता अस्पताल ले जाया जाएगा। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के अचानक बीमार होने की खबर पाकर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और शुभचिंतक अस्पताल के पास जमा हो गए। इस बीच चिकित्सक उनकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया पिछले करीब एक सप्ताह से अस्वस्थ हैं। उन्हें मामूली सर्दी खांसी हुई थी, जिससे ठीक न होने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। होने के बाद बीती रात निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से लखन घनघोरिया को आज एयर एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया है। लखन घनघोरिया के साथ उनका छोटा भाई और उनके बचपन के मित्र गए हैं। दरअसल कमजोरी और फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत पर उन्हें कल रात निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए घनघोरिया को CCU में भर्ती किया गया था और बाद में उन्हें मेदांता ले जाने की सलाह दी गई थी। लखन घनघोरिया को दिल्ली ले जाने से पहले अस्पताल और एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के नेता समेत समर्थक अस्पताल और डुमना एयरपोर्ट पहुंचे। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के मुताबिक पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया पिछले करीब एक महीने से अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। उन्हें सर्दी खांसी हुई थी, साथ ही फेफड़ों में परेशानी हो रही थी। लंग्स में इनको फेफड़े में तकलीफ तो ये हम नहीं होगा तो दो तीन महीने पहले से एक खांसी का प्रॉब्लम उनको आया था, जिसको लेके वो खांसी बढ़ती गई, कंट्रोल नहीं हुआ, जिसको लेके यहाँ पे जबलपुर हॉस्पिटल कल शाम को जांच कराने आए थे, जिस पे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप जाके बाहर दिल्ली में इसका इलाज करा लें। तो मेदांता में बात हुई है और आज वहाँ पर ये जा रहे हैं, स्वस्थ हैं, पूर्णतः अच्छे से हैं।